ईयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज राजधानी पटना में CSR कार्यक्रम के तहत बधिर बच्चों को हियरिंग एड वितरित किए गए। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शेखर सुमन ने बच्चों को खुद अपने हाथों से हियरिंग एड बनाया। इसके बाद जो बधिर बच्चे हैं, जो सुन नहीं पाते थे, वह अब सुन पाएंगे। कहीं ना कहीं मशीन कान में लगते ही बच्चों की खुशी दोगुनी हो गई और सभी खुशी से झूम उठे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अभिनेता शेखर सुमन ने कहा कि सुनने की समस्या आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें ईयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आज बच्चों के बीच यह मशीन देकर काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। इससे बच्चों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। और एक बड़ी समस्या है जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, लोग जानते नहीं है, जानते हैं तो फिर समझ नहीं पाते और ये एक बहुत एक ज़रूरियात की चीज़ है ज़िंदगी में। और ये पहल जो इन्होंने की है, ये सॉल्यूशंस और आनंद जी और विष्णु जी लेके आगे बढ़े हैं, अविनाश जी भी इससे जुड़े हैं, डॉक्टर शिवाजी ने इतना बढ़िया बताया उसके बारे में, शाही साहब ने बताया, सब आपने देखा कि अवेयरनेस को हमें आगे बढ़ाना है। ये इनका 36वां क्लिनिक है ये पटना में, इसका मतलब है कि प्रगति हो रही है और तेज़ी से हो रही है। 25 साल पुरानी कंपनी है और 36 सेंटर खुल जाना और देश के कोने कोने में, गली गली, गोशे गोशे में, कूचे कूचे में ये बात अब पहुँच रही है, लोग समझ रहे हैं, अब इसको अपनाएंगे इस वजह से कि हम लोग जिस सामाजिक जिम्मेदारी की बात कर रहे थे कि एक दूसरे को समझाते हुए इसको आगे बढ़ना है। और जहाँ तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, आप तो देख रहे हैं क्लिनिक से आगे बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक इसको ख़रीदने का सवाल है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास वो पैसे नहीं है, तो हर वर्ग के लिए और प्राइसिंग अलग अलग है जो इसको अफोर्ड कर सकें, तो एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये और प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा तेज़ी से और लोग इसे अपनाएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है। जैसे अब लोग, हर कोई जिसको दिखाई नहीं देता वो लोग चश्मा लगाने लगे हैं, उसी तरह सुनाई नहीं जिसे देता है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको ये हियरिंग एड लगाने की सख्त ज़रूरत है और उनको लगाना चाहिए। इससे उनकी ज़िंदगी तो बेहतर होगी, उनके आसपास जो भी लोग हैं। अवेयरनेस जो है वो सबसे बड़ा कारण रहा है। कई बार चीज़ें अवेलेबल होते हुए भी ज़्यादातर लोग इसको नहीं अपनाना चाहते हैं। एक तो लोगों को दिखने की समस्या से लोग चाहते हैं कि उनकी हियरिंग एड ना दिखे। ये 2-3 कारण हैं, बड़े बड़े कारण हैं जिससे लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं हियरिंग एड को। लेकिन अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि हियरिंग एड बहुत छोटे छोटे साइजेस में, बहुत स्टाइलिश ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ और हर तरह के हियरिंग लॉस के लिए हर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों के लिए आज के डेट में सॉल्यूशन है, हर तरह के शेप में अवेलेबल है और ज़्यादातर देश के कोनों में हियरिंग क्लिनिक्स की अवेलेबिलिटी पहुंच रही है, काफ़ी जगह तक पहुंच चुकी है और हम हर छोटे बड़े शहर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। इस फील्ड में सिवांटोस इंडिया हमारा बहुत साथ दे रहा है। इनके सिग्निया के नाम से हियरिंग एड आती है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। आज अगर 10 हियरिंग एड बिकती है तो उसमें से लगभग 6 से 7 हियरिंग एड सिग्निया वाइडेक्स कंपनी की बिकती है और इन लोगों ने बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अग्रेसिवली पूरे इंडिया में काम किया है हियरिंग के क्षेत्र में और हम भी बहुत सारे हियरिंग क्लिनिक्स आगे खोलने वाले हैं ताकि हम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकें, जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। मेरा नाम विश्वजीत विष्णु है और मैं इस कंपनी ईयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर चलाता हूँ। बिहार में पटना में ईयर सॉल्यूशन ने अपनी ब्रांच ओपन करी है और ईयर सॉल्यूशंस का प्लान है कि वो पटना के अलावा बाकी भी छोटे छोटे शहरों में बिहार के अंदर वो अपने ब्रांचेस सेंटर्स ओपन करना चाहते हैं, जिसकी ज़रूरत है क्योंकि बिहार में हमने देखा जो पॉपुलेशन के मुताबिक जितने नंबर ऑफ़ हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल हैं उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ हियरिंग एड क्लिनिक्स नहीं है। तो ऐसे जो ईयर सॉल्यूशंस जैसे जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इससे बिहार की जनता का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और साथ ही हमारे अफोर्डेबल हियरिंग सॉल्यूशंस भी उनको मिलते रहेंगे। द HD News के लिए पटना से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।